तुम फिर से रिकॉर्ड करना शुरू करो। जी जी सर, स्टार्ट कर दो। रिकॉर्डिंग हो हो गई, इरफान ने कर दी। गई। ठीक, ओके। जी सही। तो बहरहाल अब ये कि हमें ये पता चल गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दैट वी आर डीलिंग विद राइट नाउ इज वेरी स्मॉल, मतलब फेमटो एम्पेयर्स में पीको एम्पेयर्स हैं। मतलब तुमने देखा कि हायर साइड ऑफ करंट वॉज इन पीको एम्पेयर्स, यानी कि एक वेल लिट कमरे में अगर फोटो करंट जनरेट हो रहा है तो जरा सा डिम लाइट में सोचो कि वो फेमटो एम्पेयर में चले जाएगा आराम से। ये लेट्स डील दैट वी हैव एट हैंड। उसमें रेजिस्टर तो जाहिर है, तो कैपेसिटर कैसे बचा रहा है भाई? मतलब रेजिस्टर, चलो हमने कहा कि हाँ जी, सो लेट्स डिफाइन अ टर्म हियर। वी आर लुकिंग फॉर अ ट्रांस इम्पीडेंस। ट्रांस इम्पीडेंस किस चीज को कहते हैं? We are looking for a very high trans impedance. अभी तक तुम लोग बड़े मजे से ट्रांस कंडक्टेंस करते हो ना, किस चीज को कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस? सर वन ट्रांस ट्रांस किस चीज को कहते हैं? ट्रांस एटलांटिक किस चीज को कहते हैं? सर ट्रांसफर और एटलांटिक मतलब क्या है भाई? रेशो हैं? रेशो तो ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट्स कौन सी होती हैं? सर यूरोप वगैरह के लिए जो फ्लाइट्स वगैरह जाती हैं, अटलांटिक वगैरह। यूरोप और यूएस के, यूरोप और यूएस के बीच में जो होती हैं, यही है जो एटलांटिक ओशन क्रॉस करी इतने। सो ट्रांस मतलब मूविंग अक्रॉस एटलांटिक। ट्रांस चेंज कर कंडक्टेंस क्या? मूविंग अक्रॉस कपल ऑफ टर्मिनल्स, मतलब इनपुट आउटपुट वन टू वॉट एवर जो भी है, एंड देन इट्स अ कंडक्टेंस। व्हाट इज अ कंडक्टेंस? रेशियो ऑफ करंट करंट अपॉन वोल्टेज। अपॉन वोल्टेज ना। सो दैट मींस के वी आर टॉकिंग, वी आर गोइंग अक्रॉस अ कपल ऑफ, यानी कि कोई जो है आपकी मतलब स्टार्ट से एंड की तरफ, या एंड से स्टार्ट की तरफ, मतलब स्टार्ट से एंड की तरफ आप जा रहे हैं, एंड यू आर एंडिंग अप विद अ करंट एंड यू स्टार्टेड विद अ वोल्टेज। सही है। सो जो आउट जो जो रिलेशनशिप होती है टिपिकल किसी भी सिस्टम की, वो क्या होता है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय, सही है, जिसको आप कभी ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, कभी आप उसको सिस्टम का गेन कह देते हैं, कभी आप उसको सिस्टम की एफिशिएंसी कह देते हैं। मतलब वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में, बट द ओवरऑल मतलब जेनेरिक वे ऑफ लुकिंग एट अ सिस्टम इज आउटपुट ओवर इनपुट। तो जब आउटपुट करंट है और इनपुट वोल्टेज था, दिस वॉज योर मॉस्फेट ट्रांजिस्टर। अच्छा। हाँ, दैट्स व्हाई यू कॉल्ड इट ट्रांस कंडक्टेंस। आपने कहा भाई साहब कि मुझे यहाँ दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जब मैं देखता हूँ मुझे एक कंडक्टेंस नजर आती है। सो व्हाट इज ट्रांस इम्पीडेंस? जाहिर है आउटपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट है। बिल्कुल सो सर। दिस दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हमें अभी सेंसर करंट दे रहा है इनपुट, एंड वी वॉन्ट एन आउटपुट वोल्टेज। तो वी आर लुकिंग फॉर, अब करंट बहुत कम है, वोल्टेज बड़ा चाहिए। सो दैट मीन्स कि ट्रांस इम्पीडेंस वुड बी प्रेटी हाई। सो वी आर लुकिंग फॉर अ वेरी हाई ट्रांस इम्पीडेंस। रेजिस्टर में तो हमें नजर आ गया, रेजिस्टर लगा के सीधे सीधे ओम्स लॉ लगाओ, वेरी लार्ज रेजिस्टर, बिकॉज रेजिस्टर इज डायरेक्टली इक्वल टू द ट्रांस इम्पीडेंस। मतलब वी ओवर आई, ओम्स लॉ इज इक्वल टू आर। अब जितनी बड़ी ट्रांस इम्पीडेंस चाहिए उतना ही आर चाहिए। ट्रांस इम्पीडेंस अभी हमने देखी थी 13 ओम्स, गीगा ओम्स में चाहिए ट्रांस इम्पीडेंस। सो हाउ कैन अ कैपेसिटर हेल्प इन अचीव हाई ट्रांस इम्पीडेंस? तो भाई गाड़ी खरीदनी है, मिली वोल्ट में वोल्टेज लाना है, सही है, गाड़ी बड़ी है, पैसा है नहीं, क्या करोगे? लोन ले सकते हैं। खतरनाक लॉजिक। हाँ लाओगे, मुझे यही उम्मीद थी कि लोन ले लोगे, या किसी अमीर जो है ना भाई की जो है बेटी से शादी कर लोगे, उल्टी लॉजिक भी लाओगे। तो मतलब कोई शरीफ आदमी वो ये कहेगा भाई मैं पैसे जमा करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी बचत करूंगा, जमा करूंगा, एक दिन खरीदूंगा। तो वो जो एक इंटीग्रल नजर आया था आपको कैपेसिटर में, वो क्या कर रहा था? सम कर रहा था, सब चीज का जमा कर रहा था, सबको करंट किस चीज को जमा कर रहा है? को। करंट को बिल्कुल।
करंट को अक्यूमुलेट कर रहा है, सही है, थोड़े 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 करंट को। रेजिस्टर के साथ मसला यह था, उसके हाथ में रेजिस्टर इज एन इंस्टेंटेनियस कन्वर्टर, सही है, उसके पास आपने पीको एम्पियर करंट दिया, उसने इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज दे दिया। कैपेसिटर को आपने जब करंट दिया ना, उसने कहा भाई आप बताएं कितनी देर के लिए दे रहे हैं आप मुझे, क्योंकि मैं तो करंट को इंटीग्रेट करता हूँ। आपने कहा कितनी देर गया, मतलब भाई दोस्त ने कहा भाई आप मुझे इंटीग्रेशन का टाइम पीरियड दे रहे हैं। तो अब आपने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, मैं वही थोड़ा छोटा सा करंट देर तक देता रहता हूँ, मैं मंथली कुछ बचत करता रहता हूँ, और वही एक आध साल के बाद जो है मैं कुछ करके, और फिर कुछ जो है ना पहियों वाली जो है यार आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ ये मेरा हैंड्स फ्री अब डिस्चार्ज हो गया है वो दफाक से ना, तो अब मैंने इस पर, चलो लैपटॉप के स्पीकर पर आ गया हूँ और इसी के माइक पर, बताना अगर कोई गड़बड़ हो तो। ठीक है सही है, चलो ठीक। तो अब भाई कैपेसिटर जो है ना इज गिविंग यू अ चॉइस कि आप एक इंटीग्रेशन टाइम पकड़ के यू एक्यूमलेट दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, और वो करंट जब किसी लेवल तक पहुँच जाए सो फिर आप उस इंटीग्रल को किस चीज से डिवाइड करते हैं इरफान? कैपेसिटेंस से। हाँ सही है, तो अगर कैपेसिटेंस आपने छोटा रखा और करंट को इंटीग्रेट किया तो यू कैन एक्चुअली, सो इट्स लाइक हैविंग ए स्मॉल ग्लास, उसके अंदर थोड़ा 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 पानी डालते रहे तो ग्लास की कैपेसिटी कम थी तो वोल्टेज लेवल अच्छा बन जाएगा, ग्लास की कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज लेवल कम बनेगा। सो यू गेट दिस चॉइस कि आप इस तरीके से एक ट्रांस इम्पीडेंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 1/SC, सही है। सो दिस इज़ व्हाट यू वांटेड कि हाँ भाई एक हायर, वरना रेजिस्टर लगा के तो आप फिर फंस रहे हैं। तो इसको कहा जाता है फोटो करंट इंटीग्रेशन, दैट्स वाई दिस सी इंट द इंटीग्रेटिंग कैपेसिटेंस, कि वो जो करंट आ रहा है फोटो करंट उसको किसी इंटीग्रेटिंग कैपेसिटेंस पर इंटीग्रेट करना है एंड वी हैव टू जनरेट द फोटो वोल्टेज। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो तुम लोगों को कहा कि ये हम जो लेफ्ट साइड पे फिगर पे देख रहे थे, एक ये कहा कि आई सेंस पे तवज्जो दो, MINJ पर तवज्जो दो और सी इंट पे तवज्जो दो, बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सही है, खैर हम अभी हाथ वात से बना के कर रहे होते तो वो एक अलग होता, मतलब सही है। तो हमने क्या किया, द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड इज दैट वी क्रिएटेड अ लो इनपुट इम्पीडेंस यूजिंग अ कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद जब वो करंट अंदर आ गया तो हमने उसको एक तमीज़ के कैपेसिटर से इंटीग्रेट करा के। सो लेट्स गो अप एंड लेट्स नाउ एनालाइज, ये पिक्सल प्री एम्पलीफायर वाला सेक्शन शुरू होता है। सही है, वो क्या कह रहा है भाई, पिक्सल प्री एम्पलीफायर जो है ना, दिस इज़ द गाय हु एक्चुअली इंटरफेसेस विद द सेंसर, तभी इसको फ्रंट एंड कहा जाता है, और इसके अपने बड़े ना इस वजह से भी पंचायतें हो जाती हैं। तो अब वो क्या है, पहली क्या है कि अब PM नहीं सॉरी थोड़ा सा ऊपर से, हाँ it has to properly stimulate the sensor and then provide a low impedance path to draw most of the sensor's current. सही है, यही बात जो मैंने करी थी कि भाई लो इम्पीडेंस, लो इनपुट इम्पीडेंस रखनी होगी वरना करंट इधर उधर निकल जाएगा। देन वॉट डज इट मीन कि प्रॉपरली स्टिमुलेट द सेंसर, ये आगे आ रहा है, इंश्योर बायस, पहले तो बायस करना है एंड देन बायस पॉइंट स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है। अब बायसिंग याद होगी तुम लोगों को कि बायस आप किसी जगह पे करते थे तो फिर जाके वो जो माइक्रो कैंटिलीवर था उसको एक जगह बायस करते थे, स्मॉल सिग्नल परस्पेक्टिव जो हमने देखा था, क्यू पॉइंट पे रखते थे फिर हिलाते थे तब जाके हमें आउटपुट मिलता था। सो अगेन इट्स द प्री एम्पलीफायर दैट इज सपोज टू बायस द सेंसर,
सही है, तो अब ये जो बायस पॉइंट है यही डिफाइन करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी और डिटेक्टिविटी के किस करंट पर कितना वोल्टेज आएगा, कितना फोटो करंट आएगा। सही है। फिर ये इस चीज़ से अब तुम लोग काफ़ी यूज टू हो गए, मिनिमम पैरासिटिक लोडिंग। देखो सेंसर की हमने जो बूटस्ट्रैपिंग पढ़ी थी तो हमने उस वक्त भी जो सेंसर की जो पैरासिटिक्स थी उनको हमने खुद से मिनिमाइज करने की कोशिश करी। तो प्री एम्पलीफायर खुद से लोड वोड ना कर दे उठा के, ये भी आपको देखना होता है। फिर आगे कुछ इस टाइप की कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो कि अभी मैं जिक्र कर देता हूँ, लेकिन बहरहाल हम बाद में देखेंगे या नहीं देखेंगे वो देखते हैं। फिर एक तो ये कि लो नॉइज़ होना चाहिए प्री एम्पलीफायर। देन देर इज़ अनदर एक्स्ट्रा फीचर कि सिंक शुड बी एबल टू सिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फोटो करंट्स। अगर तो ग्लेयर, पता है ग्लेयर क्या होता है? ग्लेयर ये होता है कि सामने वाली गाड़ी गुजर रही है और उससे कोई एक उसका शीशा एक पॉइंट पे चमक रहा था, सूरज रिफ्लेक्ट होके आ रहा था उस पॉइंट पे, वो आपके चश्मे पे पड़ा, वो पॉइंट जो है ना वो बड़ा हो गया ना, सो इट बिकेम अ लार्ज ग्लेयर कि जो कि आपको नज़र ही आना बंद हो गया। तो अब क्या होता क्या है इसमें इमेजर्स में कि एक पिक्सल एक्स्ट्रा ब्राइट होता है, वो पिक्सल जब वो बहुत ज़्यादा फोटो करंट जनरेट कर देता है, वो फोटो करंट जब इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे जनरेट हो जाते हैं वो कहाँ जाएँ, तो खुद उस वो पिक्सल तो सैचुरेट हो ही जाता है, वो अड़ोस पड़ोस वालों में भी सैलाब आ जाता है। तो एक सिंगल पिक्सल था, एक छोटा सा पॉइंट था जो ब्राइट था, लेकिन उसने वो एक बड़ा सा सैचुरेटेड स्पॉट बना दिया। तो ये भी बचाना है प्री एम्पलीफायर नहीं। फिर ये कि सेलेक्टेबिलिटी फॉर टेम्पोरल इंटीग्रेशन ऑफ फोटो करंट। अभी जैसे हमारी बात हुई ना कि भाई फ़ोटो करंट को इंटीग्रेट करना है फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपने कहा कि बस भाई आ जाओ जब करंट नया आना है। अब वो तो बेचारा जो आई सेंस है, जो फोटो डायोड है, वो तो लगा उस पर जब भी कुछ गिर रहा है पड़ रहा है वो तो लगा। अब ये आप पर है कि इस पर इंटीग्रेट कराना है कि सब नहीं कराना है। सो वी आर गोइंग टू कंसीडर फोर डिफरेंट प्री एम टोपोलॉजी। सही है, हम इतनी ज़्यादा चारों नहीं देखेंगे, इसमें से तीन देखेंगे। तो DISF तो अभी आपने देख ली, डायरेक्ट इंजेक्शन सोर्स फॉलोअर। डायरेक्ट इंजेक्शन क्या थी भाई, कि करंट आ रहा है रास्ते में, आपने उसके लगाया कॉमन गेट, लो इनपुट इम्पीडेंस दी और उसको ले गया आप इंटीग्रेशन कैपेसिटेंस पर। फिर एक है बफर्ड डायरेक्ट इंजेक्शन। अच्छा सोर्स फॉलोअर क्या है, अभी ये वाला हिस्सा मैंने तुम लोगों को नहीं दिखाया था, ये स्क्रीन तुम लोगों को आ रही है ना सही नज़र, मतलब ऊपर नीचे ब्लर तो नहीं हो रही? नहीं नहीं सर। सही है, तो अभी मैंने सोर्स फॉलोअर का जिक्र नहीं करा था, ये जो है MB सोर्स फॉलोअर एंड M सोर्स फॉलोअर। सोर्स फॉलोअर क्या होता है भाई, हाँ गेन तो वन होता है, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन क्या? कॉमन ड्रेन। सही है, तो ये कॉमन ड्रेन, ये रही इनपुट, यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हुआ है। सही है, जिधर मैंने अभी माउस रखा है, दिस इज़ वन एंड ऑफ इंटीग्रेटिंग कैपेसिटेंस, यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हुआ है। अब कॉमन ड्रेन की खसूसियत क्या होती है, इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। सही है, और इसकी आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है? होती है, मतलब कुछ फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला नहीं होता यार, 1/GM ही होती है, सॉरी 1/GM। तो ये एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा और आउटपुट कम है। सो इस टाइप की चीज़ को एम्पलीफायर को क्या कहते हैं आम अल्फाज में? सोर्स फॉलोअर कहाँ यूज़ होता है, मतलब एक ऐसा नालायक एम्पलीफायर जिसका गेन ही 1 हो साला, वो कहाँ यूज़ हो सकता है? हैं, इसका गेन 1 होता है तो बफर होता था ना, इनपुट आउटपुट सेम होता है। ये कैसा बफर है यार, मतलब हमें इसको शर्म नहीं आती हमें एम्पलीफायर कहते हुए? बिल्कुल सर, एम्पलीफायर नहीं कर पा रहा है बेसिकली, जो इनपुट है वही आउटपुट है। लेकिन दुनिया की कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लो, उसमें जब तुम एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ोगे ना, सोर्स फॉलोअर वहाँ जो है वो पिछले जो है 50 साल से बैठा हुआ है। तो ये आखिर क्या, ये गलती तुम या तो सही करा दो दुनिया के ऑथर्स की कि अरे इसका वोल्टेज गेन 1 है फिर भी इसको एम्पलीफायर कह दो, कुछ और एम्पलीफायर तो नहीं कर रहा है ये?
आउटपुट इम्पीडेंस कम होने का मतलब क्या होता है भाई इरफान? किसी भी जगह पे इम्पीडेंस कम होने का मतलब क्या होता है? ज़्यादा फ्लो करेगा, करंट ज़्यादा फ्लो कर सकता है, सही है। तो इनपुट पे करंट मैंने यार बहुत हाई इम्पीडेंस, आउटपुट पे आपको, सो इट्स गिविंग यू अ करंट गेन, वोल्टेज को नहीं हाफ कर रहा, सेम वोल्टेज जो मतलब ये अब आपने एक सोर्स लगाई है, आपकी बात सुन नहीं रहा था कोई, स्टेट बैंक में मलेशिया आप पैसे भेज रहे थे चिपके लिए, कोई बात नहीं सुन रहा था, सही है। तो आपने क्या किया, आपने सोर्स फॉलोअर लगा दिया, उसने बात वही पहुंचाई आगे, लेकिन करंट गेन दे दिया, वो जो लोड था जो आप ड्राइव नहीं कर पा रहे थे जो कि करंट मांग रहा था, वोल्टेज वही चाहिए था लेकिन करंट ज़्यादा मांग रहा था, सही है। तो अब वो ये जो सोर्स है आपकी, आपने वही मैसेज आगे डिलीवर करवाया विद मोर करंट, सही है। सो दैट्स वाई वी हैव दिस सोर्स फॉलोअर हेयर। वॉट इज इट डूइंग? इट्स जस्ट अ सिंपल वोल्टेज बफर। तो डायरेक्ट इंजेक्शन क्या चीज़ हुई भाई? डायरेक्ट इंजेक्शन हुई, फोटो करंट आया है कॉमन गेट से, बफर होके इंटीग्रेशन कैपेसिटेंस पे गया है, वोल्टेज जनरेट हुआ है, वो वोल्टेज बफर होके आउटपुट पे गया है थ्रू अ टू ट्रांजिस्टर सोर्स फॉलोअर, सही है। क्या ख्याल है वो कहाँ है? इंटीग्रेशन टाइम की सिलेक्टिबिलिटी कहाँ नज़र आ रही है इस फिगर में कहीं? इस वाली को बड़ा कर देता हूँ सारी। हु डू यू थिंक वुड बी एबल टू कंट्रोल द फोटो करंट? कि अब आने दो, टैक्स अब है सर, कौन टैक से के ऊपर कौन ही है सर। और डैक? नहीं यार डैक को छोड़ो, अभी डैक को अज्यूम कर लो कुछ नहीं है, तो फिक्स डीसी है। नहीं सर, इसके साथ एसी सोर्स लगा हुआ है तो इस वजह से। अबे यार वो अज्यूम कर लो बस, फिक्स डीसी है। किसी का था? हाँ उसको तो डीसी का था भाई। फोटो करंट आने देना है एम इंजेक्शन में और फोटो करंट को रोक लेना है। अच्छा चलो मैं एक सर, नाम दिखा, टाइम का पूछे थे ना आपके, कौन सा? ये देखो ये नाम नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक शटर। अब कौन है? वेयर इज अवर इलेक्ट्रॉनिक शटर? अबे यार सामने लिखा है, क्या हो गया यार? मेरा भाई एमईएस वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक शटर, जाहिर है अगर फोटो करंट को रोकना है इंजेक्शन तक पहुंचने से पहले उसके रास्ते में आओगे ना, स्विच रास्ता और बचता कहाँ है, यही बचता है। सो दिस इज द स्विच। स्विच किस मोड में काम करता है? कितने ऑपरेशनल मोड्स हैं एक मॉस्फेट के? मोड्स ऑफ ऑपरेशन उसके मॉस्फेट के? हाँ सर मॉस्फेट में हमारे पास इसमें ट्राइओड में काम कर रहा होता है और एक में एक्टिव रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन। बिल्कुल एक्टिव कहाँ से आ गया तुम लोग? बीजेटी और वो ऐसी तैसी करके कोई नई डिवाइस निकाल देते हो। एक्टिव कहाँ से आ गया मॉस्फेट में? सैचुरेशन है, ट्राइओड है, और लीनियर रीजन कह सकते हैं, और एक कट ऑफ है बस, एक सब थ्रेशोल्ड है जो अभी फिलहाल हम अभी बात नहीं कर रहे, सही है। तो ये जो स्विच है ये किस रीजन में काम करेगा? ये इसमें काम करेगा ना, अगर शट डाउन कर रहा है ये, मतलब ये पास नहीं होने दे रहा, तो ये अपना कट ऑफ में काम कर रहा होगा उस तो इसमें। कट ऑफ है, ओपन है तो किस रीजन में? ओपन मींस कंडक्ट कर रहा है ये। हाँ हाँ जाहिर सैचुरेशन नहीं, सैचुरेशन में दूसरा होता है, एम्प्लीफिकेशन होती है। मॉस्फेट एज अ स्विच किस रीजन में होता है भाई? ट्रायोड में सर। ट्रायोड में क्यों होता है? भाई एक ट्रांजिस्टर देता हूँ मैं आपको, उसका VDS बताता हूँ, उसका VGS बताता हूँ, उसका थ्रेशोल्ड बताता हूँ, और आपसे कहता हूँ कि बताएं कि डीप ट्रायोड में है कि नहीं है, क्या देखेंगे आप?
अगर उसका गेट VGS देखेंगे, अगर वो सर ट्रायोड के अंदर बेसिकली हमारे पास जो VGS माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है वो बिल्कुल वो उसके VGS एक मिनट होल्ड करना है हाँ तो डीप ड्राइव रीजन में भाई VDS बहुत कम होता है बिल्कुल सर। ये तो आप उसी रीजन में चाहेंगे स्विच के अक्रॉस अगर ड्रॉप आने लग जाएगा तो फायदा क्या स्विच का। और सैचुरेशन एम इंजेक्शन जो है वो सैचुरेशन में चाहिए होगा या ट्रायोड में चाहिए होगा? सर एम इंजेक्शन हमें ट्रायोड में चाहिए क्योंकि सैचुरेशन में एज एम्पलीफायर काम करेगा। हाँ सैचुरेशन में एज एन एम्पलीफायर काम करेगा। क्यों सर मेरे पास VDS इज वेरी लार्ज इन सैचुरेशन। भाई देखो अब दो मसले हैं। एक मसला ये है कि वो जो दरवाजे में की होल लगा होता है जिससे आप अंदर से बाहर देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अंदर से बाहर तो कम से कम नज़र आ रहा होता है, मैग्नीफाई हो गए सही है, कोई बाहर से अंदर झांकता है सही है तो उसको नहीं नज़र आता। अगर आप एक सिंपल होल कर दें तो उसमें क्या होगा कि अंदर वाले को भी बाहर नज़र आ रहा है, बाहर वाले को भी अंदर नज़र आ रहा है, तो फिर ये भी तुक नहीं बनेगी सही है। जी जी तो अब ये कि जब आपका ट्रांजिस्टर ट्रायोड मोड में होता है जी जी तो ड्रेन डाउन टू सोर्स या सोर्स अप टू ड्रेन दोनों तरफ एक ही टाइप की इम्पीडेंस होती है जी। वो इम्पीडेंस क्या होती है? आर ऑन विच इज वन ओवर के योर ड्राइव ब्ला ब्ला। तो इशू ये है कि ऐसे में तो भाई चार्ज आप तो चाह रहे थे कि सेंसर करंट जो है वो अंदर इंटीग्रेशन की तरफ जाए, अगर आपने दोनों तरफ मामला बराबर कर दिए तो वो ये भी हो सकता है सेंसर से निकल के उल्टा मतलब इंटीग्रेशन कैपेसिटर से निकल के उल्टा सेंसर की तरफ आना शुरू है, ये जिस तरह से नुकसान है। सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये डिवाइस सेचुरेशन में रहे, क्योंकि लुकिंग इन टू द सोर्स आर इन जो है हमें पता है बहुत लो है, 1/GM है। लुकिंग इन टू द ड्रेन क्या है, अगर ड्रेन में देखो तो ड्रेन से सोर्स में क्या इम्पीडेंस नजर आती है? ड्रेन से सोर्स में बहरहाल अभी मैं बता देता हूँ, ये एनालिसिस हमें किसी वक्त करनी होगी। बहुत हाई इम्पीडेंस नजर आती है जिसको हम आर नॉट कहते हैं। आर नॉट किस चीज़ से बराबर होती है भाई? चैनल लेंथ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λID सही है। सो दैट्स सपोज टू बी इन टेंस ऑफ मेगा ओम्स और जो 1/GM है दैट इज इन किलो ओम सही है। तो उधर से उधर आने का रास्ता नहीं है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आने का रास्ता नहीं है,
लेफ्ट टू राइट जाने का रास्ता है करंट के लिए एज लॉन्ग एज एम इंजेक्शन इज इन सेचुरेशन, सही है? तो आप गौर करो ज़रा, ये अभी सर्किट में कोई मुश्किल से चार ट्रांजिस्टर आए और हमें इतना कुछ जो है ना उसमें एनालॉग की बेसिक्स में घुसना पड़ा कि अब अगर किसी भी ट्रांजिस्टर को गलत रीजन में रख दिया तो ये जो चार ट्रांजिस्टर वाला सर्किट जो कि बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि हाँ जी करंट लाना है और ये करना है वो करना है, वो नहीं चलेगा। अच्छा, इसी तरीके से एम एस एफ और एम बी एस एफ ये दोनों सोर्स फॉलोअर के जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये सेचुरेशन में होंगे तब जाके सोर्स फॉलोअर इम्प्लीमेंट होगा और तब जाके ये आगे आपको करंट बफरिंग देगा, मतलब करंट एम्प्लीफिकेशन देगा और वोल्टेज बफरिंग देगा, सही है? इलेक्ट्रॉनिक शटर हो गया, ये आपको देख लिया, सही है? अब एक चीज़ चलो इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये एम रीसेट जो लगा हुआ है, एम रीसेट क्या है कि भाई आप जब भी कोई नया इमेज लिया करेंगे तो आप इस कैपेसिटर को जो पुराना इंटीग्रेट किया था आपने करंट उसको रीसेट करके ज़ीरो कर देंगे और जो है ज़ाहिर है शुरू से आप स्टार्ट किया करेंगे, तो इस उस वक्त आप इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया करेंगे। सो दैट मेक्स सेंस कि हाँ चलो सही है ये। इस तरीके से मेरे वो पानी का ग्लास सब इसको बार बार खाली करते रहेंगे। हाँ, बार बार खाली करेंगे वरना पिछला इमेज आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी है इमेज इमेजर्स की, जिसको घोस्ट इमेज कहा जाता है। होता ये कि आप रीसेट तो करते हैं लेकिन कैपेसिटर इतना बड़ा है और रीसेट स्विच छोटा है तो वो चार्ज लीक नहीं कर पाता और आप टाइम कम उसको रीसेट करने है, तो होता क्या है कि पिछले इमेज में आप खड़े हुए थे, अब नए में आप पहाड़ की तस्वीर ले रहे हैं, अब आप पूरे तरीके से रीसेट नहीं हुए थे तो आपका अभी भी जो है वो शक्ल वकल या आप जो है अभी भी तस्वीर आपकी कम्प्लीटली, अब जब आपने पहाड़ की तस्वीर ली तो वो पहाड़ के ऊपर आप भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सो इट्स अ घोस्ट जो कि उधर है नहीं लेकिन वो कैमरे ने पकड़ लिया, सही है? तो अनलेस यू प्रॉपरली रीसेट इट यू आर गोइंग टू रन इनटू घोस्ट इमेजेस, सही है? तो वो तो दैट मेक सेंस कि चलो ये क्या सिलसिला है, सही है? तो अब इसके बाद देर इज़ अनदर ट्रांजिस्टर, ये एम सेलेक्ट जो है इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है रो सेलेक्ट, तो ये इट्स अनदर स्विच जो कि एक्चुअल सोर्स फॉलोअर के आउटपुट को उठा रहा है और वेन एवर यू टर्न दिस ऑन तब बाहर रखता है वी आउट डी आई एस एफ, वरना नहीं जाने देता। अब इसकी वजह क्या है भाई, इसकी वजह के लिए ना हमें वापस आना पड़ेगा ज़रा, यहाँ तो पिक्सल का तो पूरा एरे 64x64 का। अब इन सब ने जब आपने इमेज लिया ना, आपने इलेक्ट्रॉनिक शटर खोला, तो इन सब ने इमेज तो इंटीग्रेट करके फोटो करंट इंटीग्रेट करके अपने कैपेसिटर में रख लिया। अब मसला ये तो इन्होंने अपने पास रखा है, आपने तो रीड आउट करा ही नहीं अभी वोल्टेज क्या है एक एक पिक्सल के पास। अब एक एक पिक्सल का वोल्टेज रीड आउट करना है। अब यार अगर हम 400 या 1 मिलियन सर्किट्स लगाने बैठेंगे तो देन इट्स गोइंग टू बी अ मेस। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं एक एक रो को उठाऊँगा, लाइक हेयर दिस सी डी एस ब्लॉक, एक रो को उठाऊँगा, एक रो के तमाम कॉलम्स को, उसको उठाऊँगा, उसको कुछ प्रोसेस करूँगा और फिर उसके एक एक पिक्सल को सिंगल आउटपुट बफर से बाहर भेजूँगा। सो आउट ऑफ 4000 पिक्सल्स मैं एक रो उठाता हूँ सी डी एस एम्प में, फिर उन 64 कॉलम्स में से एक एक करके बाहर भेजता हूँ, फिर अगली रो उठाता हूँ, सही है? तो अब ऊपर से एक लाइन सिंगल लाइन आ रही होती है पिक्सल प्री एम्पलीफायर एरे से ना, यूँ करके एक सिंगल लाइन नीचे आ रही होती है सी डी एस एम्प के पास। कभी उस लाइन पर रो नंबर 1 कनेक्ट हो जाती है जब रो 1 उठानी होती, कभी उस पर रो 2 कनेक्ट हो जाती, कभी रो 3 कनेक्ट हो जाती। सो दैट्स वाई देर इज़ अ स्विच नोन एज रो सेलेक्ट, कि आपने जब उस रो को सिलेक्ट करा है तो उस रो के तमाम पिक्सल्स का ये रो ये स्विच खुल जाएगा और उस कम उस कॉमन लाइन पर उस रो की आउटपुट अपेयर हो जाएगी, सही है? सो दैट्स द रीज़न ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। अच्छा, ये जो कुछ एडवांस मैंने फंक्शनैलिटीज़ बताई थी, ब्लूम वो बताया था तुम्हें, ग्लेयर वाला, ब्लूम वाला, उसको ब्लूम भी कहते हैं, एक छोटा सा पिक्सल ब्लूम कर गया,
तो एंटी ब्लूमिंग ट्रांजिस्टर है ये और ये MOE और ये सिंक वगैरह जो है, सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट, मतलब ये आखिर में ना किसी वक्त देख लेंगे. सो व्हाट वी कैन जस्ट अज्यूम कि आई सेंस आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक शटर है, M इंजेक्शन है, C इंट है, सोर्स फॉलोअर है, एंड देन देर इज़ अ रो सेलेक्ट. अब भाई यहाँ तक हमें चलो समझ में आ गया. अच्छा वो अब्बास वापस नहीं आया? अच्छा आ गए हो, चलो कम से कम उनमें से किसी को अभी तक नहीं कनेक्ट हुए तीनों. चलो खैर छोड़ो यार, अब्बास बीच में तुम्हारा कुछ मिस हो गया उनसे पूछ लेना. नहीं नहीं मिस नहीं हुआ, मैं आ गया था, दो मिनट बाद आ गया. तो अब इस अप्रोच में ना एक मसला है भाई. हमने मतलब बड़ा ज़बरदस्त, हमने कहा जनाब लो इम्पीडेंस अंदर ले आए, सही है, और उसको इंटीग्रेट कर लिया, उसको बफर कर लिया और सब कर लिया. अब वो मसला क्या है, चलो छोटी सी कैलकुलेशंस इधर. DISF इज द सिंपलेस्ट. फ़ायदा क्या है, एरिया कम है, पावर कम है. एम इंजेक्शन को इंसर्ट करता है, कैपेसिटर डीग्रेडिंग कैपेसिटर को इंसर्ट करता है, सोर्स फॉलोअर के थ्रू जो है वो. अच्छा एक, हाँ एक फंक्शनैलिटी में तुम्हें बताना भूल गया, इधर वापस आते हैं भाई. DC बायस करना था ना, ये जो रिवर्स बायस डायोड है आपका, एक वोल्टेज तो इसके ऊपर लगा हुआ है, एक इस नोड पे भी DC बायस वोल्टेज डिफाइन करना है. ये पहले तुम लोगों से बात हो चुकी है, तो अब मैं ज़्यादा तमहीद नहीं मान रहा. तो हम यहाँ इसके गेट पर जो DC वोल्टेज देंगे, सोर्स फॉलोअर क्या करता है कि उसकी सोर्स पे वही वोल्टेज, सोर्स का जो वोल्टेज है वो गेट के वोल्टेज को फॉलो करता है. तो यहाँ पर जो मैं DC दूंगा गेट पर इस PMOS के, वही यहाँ अपेयर होगा, एंड दैट इज़ हाउ आई कैन डिफाइन अ DC वोल्टेज एट द एस इन नोड ऑफ द सेंसर. सही है, तो ये यहाँ पर लिखा है कि हाँ ये रहा, M इंजेक्शन इज वर्किंग इन अ कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन defining a DC voltage level at the source node as in through its source follower action. Source follow करी gate को, सही है. तो आपने gate पर DC दिया, उसने source पर DC लाके पकड़ा दिया, sensor bias हो गया. यही source for, यही जो M injection है low impedance path दे रहे हैं I sensor को, I sen जो उधर लिखा है, टू इंटीग्रेशन कैपेसिटेंस थ्रू इट्स GM. RN जो है भी बात हुई 1/GM के बराबर. वाइल आइसोलेटिंग SN, ये जो मैंने कहा कि जब अलर्ट के देखोगे तो उस तरफ से, उस तरफ सोर्स से ड्रेन की तरफ RN 1/GM है, और ड्रेन से सोर्स की तरफ जो है वो 1/GDS या R0 जिसको हम कहते हैं वो है, सही है. तो आइसोलेट कर रहा है SN को फ्रॉम Vint. हाउएवर SN node is prone to voltage fluctuations. This is the issue with this. अब ये नीचे आते हैं दोबारा. जब इंटीग्रेशन शुरू हुई भाई, इंटीग्रेशन करंट आया, सी इंट को जब आपने रीसेट करा था वो जीरो पे पड़ा हुआ था वोल्टेज इधर इस नोड पर. इंटीग्रेशन करंट आया, आपने इलेक्ट्रॉनिक शटर को खोला, करंट इंटीग्रेट होना शुरू हुआ, इस नोड पर वोल्टेज डेवलप होना शुरू हुआ. अब वोल्टेज बड़ा 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 बढ़ते 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 क्या हुआ कि अब जो M इंजेक्शन है इसका VDS कम हो गया. क्यों? क्योंकि मुसलसल इस नोड पर वोल्टेज बढ़े जा रहा है. आप करंट इंटीग्रेट करे चले जा रहे हैं, तो VDS इसका VD बढ़े जा रहा है, इसका S. अच्छा ये PMOS है, तो PMOS में हम VSD देखते हैं, यानी S ज़्यादा होना चाहिए D के मुकाबले में. तो अब D नीचे था बहुत, एस ऊपर आपने सेट करा हुआ था थ्रू गेट वोल्टेज DC, लेकिन अब डी मुसलसल बढ़े जा रहा है. और एक वक्त आया जब VSD किससे छोटा हो गया, वी ओवर ड्राइव से छोटा हो गया. वी ओवर ड्राइव कौन है भाई? वी ओवर ड्राइव है VGS-VTH. VSG-VTH बिकॉज इट्स अ PMOS, सही है. तो जब ओवर ड्राइव से VSD छोटा हो गया तो आप सेचुरेशन से निकल गए और ट्रायोड में आ गए. अब जब आप ट्रायोड में आए ना, तो ये एस इन इस नोड से और ये नोड इधर, तो वो जो आइसोलेशन थी ना कि लेफ़्ट टू राइट तो रास्ता खुला हुआ है, राइट टू लेफ्ट रास्ता नहीं खुला हुआ, अब दोनों तरफ का रास्ता खुल गया.
अच्छा करंट अभी भी मुसलसल चला आई चले आ रहा है, आई चले आ रहा है, आई चले आ रहा है. सो दिस इज वेयर समथिंग नोन एज कायर. जो हमने वो ब्लूमिंग जो अभी हम स्किप कर रहे हैं दैट इज स्टार्ट्स हैपनिंग. लेकिन उससे पहले ना एक और चीज़, ये बहरहाल देखो ये रास्ते से तुम्हें यहाँ गुजार रहा है कि इज प्रोन टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग इंटीग्रेशन व्हेन एमईएस इज ओपन एंड द सेंसर करंट इंक्रीजेज व्हाइल द गेट वोल्टेज ऑफ एम इंजेक्शन इज फिक्स्ड. दिस कॉजेज एम इंजेक्शन टू इवेंचुअली एंटर द ट्रायोड रीजन. यहाँ तक हम पहुँच गए थे. Exposing S in to noises in the PM and therefore setting an upper limit for the integration current and integration voltage for a stable operation. सही है, यानी कि आप एक हद से ज़्यादा अगर आप V int को आप I sense डालते रहे C int में और V int generate करते रहे तो वो एक हद से ज़्यादा वो saturation से निकल जाएगा. सही है, and then it would be disastrous. अब सिग्नल डिपेंडेंट नॉन लीनियरिटी ये रुक जाओ, असल में जो असल बात है उस पर नहीं आने दे रहा. बायस पॉइंट, हाँ ये रहा. सो दिस इज वन ऑफ द मेन पॉइंट्स. बायस पॉइंट स्टेबिलिटी सफर्स एज द सोर्स टर्मिनल ऑफ एम इंजेक्शन इज प्रोन टू ड्रिफ्ट विद द फोटो करंट. अब ये कोई एक छोटा सा जुमला है जो हज़ार अल्फाज के बराबर है. मतलब मुझे उम्मीद यही है कि आपको अब याद तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बहरहाल भाई ज़रा सोर्स फॉलोअर का आउटपुट वोल्टेज की एक्सप्रेशन बताना. अगर इनपुट वोल्टेज सोर्स फॉलोअर का वी इन है और उसका थ्रेशोल्ड वी टी एच है और जो बायस करंट है वो आई डी है, तो आउटपुट किसके बराबर है? खैर ये मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, ये पता भी होना चाहिए. सोर्स फॉलोअर इसीलिए सोर्स फॉलोअर कहलाता है कि आउटपुट जो है ना एक तो इनपुट को फॉलो कर रहा है, तो आउटपुट इज इक्वल टू वी इन प्लस वी टी एच. सही है, आप वी इन बढ़ाते हैं आउट तो. लेकिन एक टर्म जो है ना तीसरी लोग इग्नोर कर देते हैं जो कि गलत बात है और वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो है अंडर रूट टू आई डी डिवाइडेड बाय के. सही है, के अंदर वही म्यू एन सी ऑक्स ब्लू वेल सब कुछ आ जाता है. अब इशू क्या हुआ भाई के आउटपुट बराबर हो गई वी इन प्लस वी टी एच प्लस आई डी ओवर के रूट. तो वी इन तो आपने फिक्स किया है डीसी पे, बहुत ज़बरदस्त. वी टी एच भी फिक्स है. वी टी एच इज़ ए स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ लेट्स से टेम्परेचर बॉडी इफेक्ट. अभी हम अज्यूम कर लेते हैं ये दोनों चीज़ें नहीं चेंज हो रही. सही है, सो वी टी एच भी फिक्स है, बहुत ज़बरदस्त. मतलब इसका जो वी सोर्स है बेसिकली इस एम इंजेक्शन का आउटपुट कहाँ है, सोर्स फॉलोअर का आउटपुट कहाँ होता है, सोर्स पे होता है. तो इसका आउटपुट सोर्स पर है और इलेक्ट्रॉनिक शटर के थ्रू ये इसका आउटपुट एस इन नोड पे शॉर्ट हुआ है. जब इलेक्ट्रॉनिक शटर खुला हुआ है तो इट्स ए शॉर्ट. तो एस इन पर आपने वोल्टेज टिका दिया, बड़ा ज़बरदस्त फिक्स कर दिया. और इस एस इन को फिक्स करने की वजह से इस फोटो डायोड के अक्रॉस बड़ा ज़बरदस्त एक डीसी बायस पॉइंट स्टैब्लिश हो गया. लेकिन ये झूठ है क्योंकि आप तीसरी टर्म तो भूल गए. तीसरी टर्म एक्चुअली करंट डिपेंडेंट है. अब हुआ क्या कि एक पिक्सल में तो करंट बहुत कम आ रहा था तो तीसरी टर्म नेग्लिजिबल थी क्योंकि रूट आई डी ओवर के पर थी. एक में करंट बहुत ज़्यादा आ रहा था तो वो जो है वो करंट वो टर्म नेग्लिजिबल नहीं थी. अब आपका जो कभी आप मतलब होता क्या है कि कभी करंट कम आता है तो बायस पॉइंट कहीं जाके बैठ जाता है, करंट ज़्यादा आता है तो बायस पॉइंट कहीं जाके बैठ जाता है. दिस इज़ अनदर डेफिनेशन ऑफ नॉन लीनियरिटी. नॉन लीनियरिटी ये होती है भाई कि आपका सिस्टम इनपुट पे डिपेंड करके अपने रिस्पॉन्स को अपने बायस पॉइंट को हिलाता रहे. सही है, मतलब आपका सिस्टम जो है इट शुड बी वाई इक्वल टू के इन टू एक्स एंड के शुड बी फिक्स. लेकिन के अगर एक्स की मुख्तलिफ रेंजेस पे के चेंज होता रहे एंड इट्स गोइंग टू गिव राइज टू हायर ऑर्डर टर्म्स. सही, के भी फंक्शन ऑफ एक्स बन गया, फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर.
अब एक्स स्क्वायर तो ये तो बात नहीं हुई थी, हम तो लीनियर सिस्टम बना रहे हैं, तो अब ये इट्स अ फॉर्म ऑफ नॉन लीनियरिटी. सो द बायस पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ डी आई एस एफ इज नॉट गुड. सही है, और यही बात जो है इधर कहीं द बायस पॉइंट स्टेबिलिटी सफर्स एज द सोर्स टर्मिनल ऑफ एम इंच इज प्रोन टू ड्रिफ्ट विद द फोटो करंट. तो जुमला ही एक है लेकिन इसके पीछे कहानी सही है. तो अब आप क्या करें, ये बड़ी अच्छी टोपोलॉजी थी, सिंपल थी, लो पावर थी, छोटा एरिया था, लेकिन बायस पॉइंट स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है. बायस पॉइंट स्टेबिलिटी बढ़ानी है देन यू हैव टू गो टू बफर डायरेक्ट इंजेक्शन सोर्स फॉलोअर. सही है, अब आप आ गए इस वाले पर, नज़र आ रहा है भाई? इसमें आपने क्या किया है, अगेन ये अज्यूम कर लो कि डैक वैक और ये एसी की जगह जस्ट अ फिक्स डीसी. सही है, ऑपएम क्या करता है जब नेगेटिव फीडबैक में होता है, इन दो पॉइंट्स को बराबर रखता है ना. सही है, अपने दोनों इनपुट पॉइंट्स को बराबर रखता है, ये पता है ना, या अब ये समझाऊं? आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है. भाई जब नेगेटिव फीडबैक में आप लगाते हैं तो एक नोट तो वैसे ही फिक्स होती है, दूसरी जो है वर्चुअल ग्राउंड बनके दूसरी फिक्स नोट को ट्रैक करने लग जाती है. बिल्कुल सर बिल्कुल सही है. तो अब ये क्या करेगा, ये प्लस माइनस नोट को, प्लस नोट पे आपने एक फिक्स डीसी दे दिया, दिस ऑप एम्प वुड मेक श्योर कि इस नोट पर वो डीसी अपीयर हो. How would it make sure it would keep changing the gate voltage? तो जैसे ही करंट की वजह से ही वोल्टेज चेंज होने लगता था, ये ऑप एम्प इसका गेट वोल्टेज चेंज करके इसको नलीफाई कर देता था. ठीक. तो आपने एक क्लोज लूप ज़्यादा स्टेबल बायस पॉइंट अचीव कर लिया. सही है. अच्छा. डी आई एस एफ में ज़्यादा. तो क्लोज लूप की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो गया. हाँ, क्लोज लूप की वजह से ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी अचीव हो. ठीक है. बाकी देखो तो वही है, करंट आए, इलेक्ट्रॉनिक शटर है, इंजेक्शन ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेशन कैपेसिटर है, सोर्स फॉलोअर है, और वो स्लेट बाकी सब वही है. सो इस डीआईएसएफ बस शुरू में आपने बफर करके एक बेहतर बायस पॉइंट स्टेबिलिटी जो है वो अचीव कर ली. तो भाई अब एक असाइनमेंट है, और वो ये है, ये जो एक्सप्रेशंस ड्राइव हुई हैं, आप डी आई एस एफ और बी डी आई एस एफ का आर इन निकालेंगे और बी आउट की एक्सप्रेशन निकालेंगे जो कि इधर निकली हुई है आपके सामने इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में. इसी पेपर को रेफर करना है ज़ाहिर है. तो आप बेसिकली बी आउट की एस डोमेन में एक्सप्रेशन और आर इन की एक्सप्रेशन एस डोमेन में, उसके बगैर जैसे चाहें आप निकालें. सही है, ये आप डी आई एस एफ और बी डी आई एस एफ की निकाल लें. तो कल हम दोबारा क्लास लेते हैं, असाइनमेंट तो खैर अगले दो तीन दिन में दे देना, कल दोबारा क्लास लेते हैं, कल हम ये सी डी आई ए पढ़ेंगे. ठीक है सर. ठीक है ठीक है. तो सी डी आई ए पढ़ के हम बस ये चौथा वाला नहीं पढ़ेंगे, हम ये जो ऑप्टोइलेक्ट्रिकल वाला मामला है ना, हाँ, इसको हम ख़त्म कर देंगे. और फिर हम थोड़ी सी जैसे हम वो बार बार बातें करते हैं ना कि यार गीगा ओम कैसे बनेगा वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा वो देखेंगे, और फिर इसी वो पहले देख कर फिर हम वापस इस पेपर पे वापस आएंगे, जबकि हमें कोई इस टाइप के ब्लॉक्स पढ़ने होंगे जिसको कि हम ऑटो ज़ीरोइंग ब्लॉक्स कहते हैं. क्योंकि तुम लोगों को याद होगा कि हमने कुछ ब्लॉक्स पढ़े थे कि हम सिग्नल कंडीशनिंग ब्लॉक्स कहा था हमने उसको. बिल्कुल बिल्कुल. हम जो है हाँ इसी तरीके से आउटपुट बफर के इस टाइप के ब्लॉक्स हम पढ़ेंगे. अच्छा देखो, तुम लोग ये देख रहे हो, घूम फिर कर देखो, ये पूरा आउटपुट बफर जो है ना, इसमें तुम गिन सकते हो टोटल ट्रांजिस्टर कितने हैं. लेकिन तुम हमारा हशर देखो क्या हुआ है, यहाँ कितने ट्रांजिस्टर थे अभी टोटल, शुरू में एक इंजेक्शन, एक सोर्स फॉलोअर, एक सी इन. हमें इन तीन चार चीज़ों ने तमाम बेसिक्स पे जाना मजबूर कर दिया था. सही सही. तो एनालॉग
की चीज़ों के बारे में कभी भी नंबर देखकर जो है ना कि यार ये क्या यार, ये तो कोई 7-8 ही ट्रांजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं सही है, या ये क्या मसला है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, नहीं है ये बहुत बड़े बड़े सर्किट चाहिए, मतलब ये सर्किट जो है ये अभी भी मतलब मेरा बस चले तो मैं कभी दोबारा ना बनाऊँ, इट्स अ क्लास मतलब तुम लोगों ने शायद आउटपुट ड्राइवर्स कौन से ECD में पढ़ते हो ना, ECD में आउटपुट ड्राइवर्स पढ़ते हो ना, क्लास ए क्लास बी क्लास ए बी, जी, एक तो बिल्कुल क्लास ए बी मतलब क्लोज लूप क्लास ए बी एम्पलीफायर पावर एफ, तो हम ये देखेंगे, सही सो सही वेरी केयरफुल कि इसके अंदर ज़रा ज़रा से ट्रांजिस्टर्स हैं, चार चार रजिस्टर्स हैं, चार चार कैपेसिटर हैं, बट दे आर रियली टू टेस्ट योर बेसिक्स, सही सही है, तो ये असाइनमेंट करो, कल फिर दोबारा किसी वक्त थोड़ा टाइम लगाते हैं यार, कल खुदा के लिए बिलाल इन सबको बुला के लाओ, मैं अक्सर ये करता हमें हूँ कवर इंशाल्लाह जमा करता अप हूँ करते हैं, और फिर रेगुलर टाइम पर जो थर्सडे को हमारी जो रेगुलर टाइम है ना उसी पे लिया जी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दो एक्स्ट्रा और ले लें ज़रा बीच में, ठीक है सर ठीक कर देता हूँ सही, कह दूंगा ठीक है सर चलो ठीक, ओके ओके मैम, चलो अभी ख़त्म करते हैं वाली क्लास, सही है, जी सर इसके ओके दोनों की लिंक्स भी फिर आपको शेयर कर दूंगा हाँ तुम कर दो अपलोड, लिंक शेयर करते हैं फिर, सही है, ट्राई कर दूंगा ओके ओके सर बेला। लिंक्स कैसे शेयर करोगे? ठीक ये मैं अपने YouTube के चैनल पे डाल दूंगा तो वहाँ से लिंक